जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 जीएसटी दिवस 1 जुलाई को लागू किया गया, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पास किया गया। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। 10वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य आसाम 12 अगस्त 2016 तथा अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर 5 जुलाई 2017 है। जीएसटी के अंतर्गत 17 अध्यक्ष कर और 23 अधिकारी को शामिल किया गया। जीएसटी पंजीकरण संख्या कि में कुल 15 डिजिट है। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार की हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279A में रखा गया और इसी में इसके गठन का प्रावधान दिया गया। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है। जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 तथा केंद्र को 1/3 वोट अधिकार दिया गया है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। SGST का पूर्ण रूप है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। CGST का पूर्ण रूप है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। IGST का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। IGST को संविधान के अनुच्छेद 269A में रखा गया। SGST राज्य सरकार तथा CGST केंद्र सरकार लगाती है। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएँ, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को GST से बाहर रखा गया है। वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो GST रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है। विशेष राज्यों में यह सीमा 10 लाख रखी गई है। राज्यों को GST से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। भारत GST लागू करने वाला 161 देश है। सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे।